बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम रोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज की आज पांच बड़ी खबरें क्या है उस पर हमारी पूरी फोकस रहेगी। आपको बता दें कि हर शाम हर दिन हम आपको लिए देश भर की पांच वो बड़ी खबरें लेके आते हैं जो बहुजन समाज के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको बता दें कि ब्रेकिंग तौर पर हम आपको उनको सुपर फाइव का न्यूज नाम देते हैं। इधर आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी ये खबरें हैं कि भीम आर्मी की तरफ से 10 दिन बाद भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बगावत का बसपा में डर चल रहा है। तीसरी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इधर आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज एक बार फिर ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिप्पणी की। इधर आपको बता दें कि देश भर के अंदर अभी भी मंदिर का मामला जो चल रहा है उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। हम चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भीम आर्मी की तरफ से कल 23 अगस्त को देर रात भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण से जेल में मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब, जो महिला प्रेस क्लब है, वहां पर परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने उनकी परमिशन रद्द करवा दी। उसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर ही प्रेस के जो लोग थे उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि 10 दिन तक अगर भीम आर्मी की आंदोलन का चेतावनी देती है, अगर 10 दिन में भारत सरकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर पुनर्निर्माण नहीं करती है तो भारत बंद किया जाएगा। ये चेतावनी चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के द्वारा दी गई है। इधर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बार फिर राजस्थान के अंदर बगावत का डर सता रहा है। वैसे तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र सिंह गुड्डा, जो कि उदयपुर पार्टी से विधायक है, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने आपको बता दें कि पहलू खान मामले के अंदर भी कहा था कि भीम आर्मी की प्रमुख मायावती जी सिर्फ लखनऊ के अंदर एसी रूम में बैठकर ट्वीट करती है, उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। इसी के अलावा विधानसभा के बीच खड़े होकर उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकट के बदले पैसे लेकर ने का भी आरोप लगाया था। इधर आपको बता दें कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इधर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात हुई और दोनों के बीच क्या मुलाकात हुई अभी तक आई बाहर नहीं आई, लेकिन ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। इधर आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश भर के अंदर आर्थिक तौर से भारत का देश आर्थिक गरीबी और बेरोजगारी और इन तमाम चीजों से जूझ रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं आह्वान करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस मामलों के अंदर कार्रवाई करें। उधर उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी इस बात से खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसपा की 18 तारीख को की गई मांग से कुछ ना कुछ कार्रवाई की है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, इस मामले में थोड़ी और गंभीरता से बीजेपी को काम करना चाहिए है। इधर आपको बता दें कि बहुजन समाज की तरफ से लगातार आंदोलन चल रहा जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर को मामले को लेकर है, इस मामले में अभी भी लोगों के अंदर रोष है। कई जगह पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 96 लोगों को गिरफ्तार जो हो चुके हैं उनको रिहाई की मांग की जा रही है, तो कई जगह पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर को पुनः उसी स्थान पर बनाने और जमीन समाज को देने की मांग भी देश भर में अभी भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भीम आर्मी की तरफ से उत्तराखंड में तो बहुजन समाज की तरफ से पंजाब के अंदर अभी भी कई जगह पर आंदोलन किए गए हैं, जिसके वीडियो आप नीचे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम देश दुनिया की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.ambedkarpeoplesvoice.com को भी लॉग इन कर सकते हैं।